जहां एक ओर स्वयंसेवी संगठन नेकी की दीवार पर पुराने व नए कपड़े ठंड से ठिठुरने वाले लोगों को देकर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग को अब तक ठंड का एहसास नहीं हुआ है। जनपद मुख्यालय स्थित जिला महिला चिकित्सालय के रैन बसेरा में तीमारदारों को ठंड से बचने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सर्दी भरी रात में बैठने के लिए चटाई की व्यवस्था भी नहीं है। गलन भरी सर्दी के बीच रात बिताने के लिए जिला महिला अस्पताल में स्थित रैन बसेरा में तीमारदार ठिठुरने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में तीमारदारों को अस्पताल परिसर में अलाव के नाम पर नगर निगम की ओर से डाली जाने वाली चंद लकड़ियों के सहारे जागकर रात बितानी पड़ रही है। जब जिला महिला अस्पताल में ठंड से बचाव के ऐसे प्रबंध हैं, तो सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जिले में कोहरा भले ही लगातार पड़ रहा है, गलन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में रात बिताना आसान बात नहीं है। फिर भी जिले के उन अधिकारियों को ठंड नजर नहीं आ रही है जो रूम हीटर जलाकर रजाई में सोते हैं। यहाँ किस लिए आए थे महिला अस्पताल में? यहाँ महिला की डिलीवरी होना था इसीलिए। अच्छा, फिर आप कहाँ रुकोगे रात में? अब रुकने की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बस ये है कि महिलाओं का वार्ड वहाँ है, आदमियों को निकाल के बाहर कर दिया, कहीं भी जाए विजय हॉल खाली है तो यहाँ सो जाते हैं। ये रेन बसे रहे यहाँ आपके सोने की व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ व्यवस्था नहीं है, अपना जो कुछ लेके आना पड़ता है। क्या लेके आते हो? रजाई वगैरह, बिस्तर, जो ठंड में सोने के लिए। कहाँ से लेके आते हो? घर से अपने। जिला महिला अस्पताल के वार्ड में जहां मरीज सिर्फ कंबल के सहारे सर्द रातें काट रहे हैं, वहीं तीमारदार बाहर बने रैन बसेरा में ठिठुर कर रात बिताने को विवश हैं। रैन बसेरा में रजाई, गद्दा, कंबल तो दूर, मरीजों के तीमारदारों को बैठने के लिए एक अदद फर्श भी नहीं डाला गया है। इतना ही नहीं, रैन बसेरा में साफ सफाई का कार्य भी यदाकदा ही किया जाता है। राहुल कोष्टा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।